की आप बहुत ही अच्छा काम करती रहेगी और आरपीआई का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम और गोर गरीबों की सेवा करने के लिए मतलब आपको जरूर जो भी ताकत देना है वो ताकत हम देने का काम करेंगे। और हम राकेश सावंत पार्टी में आने से पार्टी को अच्छा भविष्य में अच्छी दिन आएगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो इस ऑफिस का, आरपीआई का जो ऑफिस है यहाँ, जो राकेश सावंत जी ने यहाँ वो इसको ओपन किया है, तो इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ ऐसा मैं यहाँ जाहिर करता हूँ और राखी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, मैंने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ पे है, आरपीआई पार्टी में है और सबसे ज्यादा गरीब लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे जो मुझे हमेशा गरीबों की सेवा करनी थी और चाहे मैं बड़ी पार्टियों में कहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अठावले साहब जी से, अठावले साहब जी को मैंने, हम लोगों ने कांटेक्ट किया, बात करी और बिल्कुल उन्होंने मेरा वेलकम किया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ तो इसीलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनमें शिक्षा से लेकर, पानी से लेकर, नौकरी से लेकर, आरक्षण से लेकर, सुरक्षा से लेकर, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता और अठावले साहब हम सब मिलके एक हाथ बनकर, एक मुट्ठी बनकर इन सबके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। और मुझे बहुत गर्व है कि ये पार्टी जो है बाबा साहेब आम्बेडकर की पार्टी है और उनके संविधानों को तो सभी जानते हैं, तो बस उनके संविधानों को, उनके कानून को हम बरकरार रखना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अठावले साहब जी ने तो सालों से काम कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं ज्वाइंट हुई हूँ और बस ज्वाइंट होते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं एक पल भी बैठी नहीं हूँ और मैं तब सांस लूंगी, तब सोऊंगी जब हमारे लोगों को, हमारे दलित समाज के हमारे सभी लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पानी, कपड़ा, पैसा, धन दौलत नहीं मिलेगा, जब तक मुझे लगता है ना अठावले जी शांति से बैठेंगे ना मैं शांति से बैठूंगी। तो इस बात की भी कभी ऐलान कर दीजिए कि विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी राकेश सावंत जी को टिकट देंगी और क्या उनसे चुनाव लड़ाई। राकेश सावंत जी मतलब उन्होंने कोई मतलब इसी तरह का इलेक्शन लड़ने का विचार हमने सामने रखा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखते हैं मतलब अभी मुंबई में आरपीआई कौन कौन सी सीट मिलती है या क्या है, लेकिन राकेश जी कोई टिकट के लिए हमारी पार्टी में नहीं आई होगी, बिल्कुल सेवा करने के लिए आई है। मैं कोई टिकट के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी अठावले साहब जी और हमारे सभी कार्यकर्ता सब मिलके, काका साहब, हमारी महिला बहनें सब मिलके अगर डिसाइड करते हैं तो मैं सोचूंगी। एक तो राकेश सावंत जी खाली महाराष्ट्र के नहीं, वो मराठी भाषी तो ही है, लेकिन मतलब राकेश सावंत जी का नाम पूरे देश भर में, मतलब एक सेलिब्रिटी के नाम पर, डैसिंग औरत के नाम पर, संघर्ष करने वाली औरत के नाम पर और गरीबों के बारे में दर्द मन में रखने वाली औरत के माध्यम से उनका नाम पूरे देश भर में है। जरूर अभी हम जब शिवसेना बीजेपी के साथ को बैठेंगे और अगर मतलब इसी तरह का मौका अगर मिलता है तो राकेश सावंत जी को टिकट देने में मुझे जरूर आनंद होगा, लेकिन अभी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हम तय करेंगे। सर इसमें कोई शक नहीं है, राखी जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन की तो आरपीआई बहुत मजबूत हुई है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी और शिवसेना में दरार शुरू हो गई उसमें आपकी